नमस्कार, विश्व शांति दर्शन में मैं श्रीराम शिंदे आप सबका स्वागत करता हूं। आइए सुनते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें इस अनोखे YouTube चैनल में, जिसकी शुरुआत विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ करार जी ने की है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। ड्राइवर की बेटी पहुंची इसरो, भारत ने मनाया सेना दिवस, पार्किंग स्पेस ढूंढने वाली कार, मिसाल हिंदू मुस्लिम एकता की, फ्रांस से भारत तक साइकिल पर। विदिशा की एक बेटी का चयन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में हुआ है। सुनते हैं सना अली की कहानी। विदिशा की बेटी सना अली का चयन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में हुआ है। सना की सफलता आसान नहीं रही। विदिशा के निकासा मोहल्ले में रहने वाली सना अली के पिता पेशे से ड्राइवर हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी कि पढ़ाई पूरी करवाई जाए। सना की पढ़ाई के लिए उसकी मां ने अपने गहने गिरवी रख दिए। सना ने घर में ट्यूशन पढ़ाई। पिता साजिद अली ने लोन लेकर बेटी को पढ़ाया। अब बेटी का सपना पूरा होता देख परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं है। सना जल्द ही इसरो में टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर काम करेंगी। सना कहती है, मन लगाकर पढ़ना चाहिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए खूब मेहनत करें, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। सेना दिवस पर जम्मू कश्मीर में आर्मी डॉग स्क्वाड्रन ने किया कौशल का प्रदर्शन। आइए देखते हैं। भारतीय सेना ने हाल ही में अपना 74वां सेना दिवस मनाया। हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये वह दिन था जब जनरल KM करियप्पा ने 1949 में अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर FRR बुचर से भारतीय सेना की कमान संभाली थी और वे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने थे। इस वर्ष भारतीय सेना की थीम थी इन स्ट्राइड विद द फ्यूचर। सेना दिवस समारोह के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर तीनों सेना के प्रमुखों ने बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। थल सेनाध्यक्ष ने दिल्ली के छावनी में सेना दिवस परेड की समीक्षा की और वीरता के व्यक्तिगत कार्य के लिए 15 सेना पदक, 23 COAS यूनिट प्रशस्ति पत्रक प्रदान किए। इस वर्ष सेना दिवस परेड में भारतीय सेना की सूची में शामिल विभिन्न हथियार प्रणालियों के विकास को प्रदर्शित किया गया। नए और आधुनिक हथियार प्रणालियों तथा प्लेटफॉर्मों को उनके पुराने समकक्ष के साथ प्रदर्शित किया गया। युद्ध भूमि में सेनानियों का बड़ी बहादुरी से साथ देने वाले घोड़े और कुत्तों जैसे जानवर भी इस परेड में शामिल हुए। एक स्वयंचलित कार अपने लिए पार्किंग की जगह खुद ब खुद ढूंढ लेती है। जानते हैं क्या है यह आविष्कार। भारत का सबसे बड़ा ऑटो शो राजधानी नई दिल्ली के पास चल रहा है। कार निर्माता कंपनियों ने इस प्रदर्शन में अपने नवीनतम विद्युत वाहन पेश किए हैं, जो विश्व बाजार में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रही हैं पूर्ण रूप से स्वचालित कारें, जो भारत में बहुत जल्द ही आने की संभावना है। इस प्रदर्शन में बिल्ड योर ड्रीम द्वारा निर्मित एक स्वयंचलित कार किस तरह अपने लिए पार्किंग की जगह ढूंढती है, इसका प्रदर्शन किया गया। ज्यादा भीड़ वाली जगहों पर पार्किंग की जगह ढूंढना आसान करने वाली प्रणाली इस अवसर पर लोगों का मन लुभा रही है। उम्मीद की जा रही है कि ये आधुनिक वाहन जल्द ही भारत की सड़कों पर दौड़ते दिखाई देंगे। हिंदू मुस्लिम एकता की एक शानदार मिसाल पेश करते हुए एक मुस्लिम परिवार ने शिव पुराण कथा के लिए 60 एकड़ की फसल कटवा दी। सुनते हैं पूरी खबर। महाराष्ट्र के परभनी में होने वाले 5 दिवसीय शिव पुराण कार्यक्रम के लिए एक मुस्लिम परिवार ने अपनी 60 एकड़ जमीन पर खड़ी फसल को काट दिया और कार्यक्रम के लिए जमीन की व्यवस्था करवाई। परभनी के लक्ष्मीनगर इलाके में 5 दिवसीय शिव पुराण कार्यक्रम का आयोजन 13 से 17 जनवरी के बीच होना तय था। इस कार्यक्रम में भारी तादाद में लोगों के आने की आशंका थी, जिसको देखते हुए एक बड़ी जमीन की तलाश की जा रही थी। इस कार्यक्रम की जानकारी सैयद शोएब को हुई तो उन्होंने अपनी खड़ी फसल को काट दिया और धार्मिक कार्यक्रम कराने के लिए अपनी जमीन उपलब्ध करा दी। अब सैयद शोएब की पूरे महाराष्ट्र में चर्चा हो रही है। वह हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बन रहे हैं। नथाली मास फ्रांस से अपनी साइकिल पर मिट्टी बचाओ आंदोलन का समर्थन करने निकली। सुनते हैं उनके जुनून की कहानी।
मिट्टी बचाओ आंदोलन का समर्थन करने के लिए नथाली मास फ्रांस से अपनी बाइक पर रवाना हुई और दक्षिण भारत के कोयम्बतूर में अपनी यात्रा समाप्त करने का लक्ष्य रखती है। भारतीय योग गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव के मिट्टी बचाओ आंदोलन का हिस्सा बनते हुए नथाली ने अपनी यात्रा को मिट्टी के लिए पहिए ऐसा नाम दिया है और मिट्टी की रक्षा करने, परिस्थितिकी को पुनर्जीवित करने तथा जलवायु संकट के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वह स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का दौरा कर रही है। वह अपनी यात्रा के दौरान बच्चों से मिलती है, उनसे मिट्टी के बारे में सवाल पूछती है और उन्हें बोलने का अवसर देती है। नथाली ने अब तक 7 देशों को पार कर लिया है, फ्रांस, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया और अब उन्होंने तुर्की को पार कर लिया है। उनका मानना है कि आंदोलन जारी रहना चाहिए और फरवरी में वह दक्षिण भारत में पहुंच रही हैं। भारतीय नौसेना की महिला वैमानिकों ने रचा नया इतिहास, ऐसा क्या कर दिखाया उन्होंने, आइए देखते हैं जाते जाते। भारतीय नौसेना की महिला अधिकारियों ने डॉर्नियर विमान पर उत्तरी अरब सागर में पहली बार पूरी तरह से स्वतंत्र समुद्री निगरानी मिशन पूरा किया है, ऐसा करके उन्होंने इतिहास रच दिया है। इस मिशन को गुजरात के पोरबंदर में नेवल एयर एनक्लेव में स्थित इंडियन नेवी एयर स्क्वाड्रन के 5 महिला अधिकारियों द्वारा अंजाम दिया गया। विमान की कप्तानी मिशन कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा कर रही थी, जिनकी टीम में पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी, लेफ्टिनेंट अपूर्वा गीते, सामरिक तथा सेंसर अधिकारी लेफ्टिनेंट पूजा पांडा और ASLT पूजा शेखावत थी। इन महिला अधिकारियों को इस ऐतिहासिक उड़ान से पहले महीनों का जमीनी प्रशिक्षण दिया गया था। इसी के साथ आज के संस्करण में यहीं पर रुकते हैं, देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।